बुढ़ापा पेंशन को लेकर के धमाकेदार ऐलान किया गया था। इनकी किस्मत खुली है, पीपीपी से बूढ़ों को मिलेगा लाभ, सीधे पेंशन खाते में मिलेगी। सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है, किसी भी बुजुर्ग को किसी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उनकी बुढ़ापा पेंशन स्वयं उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब वो अपने नज़दीकी CSC केंद्र पर जा करके भी पैसे अपने पेंशन के निकलवा सकते हैं। 19 से 20 तारीख तक हर हालत में यूं ही बुढ़ापा पेंशन का सभी वृद्धाओं को लाभ मिलता रहेगा। और इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, जो कि जून महीने की पेंशन है सभी वृद्धाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इसी दिन से जारी कर दी गई थी बुढ़ापा पेंशन, सभी के खाते में आनी शुरू हो चुकी है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर के सिर्फ यही ऐलान किया गया है, जो 5 लाख से ज़्यादा इनकम जिसकी भी है फैमिली आईटी में, सिर्फ उन्हीं की बुढ़ापा पेंशन कटेगी। 3.5 लाख आय के नीचे जिनकी बुढ़ापा पेंशन है उसकी बुढ़ापा पेंशन नहीं कटेगी। CM खट्टर ने नया सिस्टम बनाया है, किसी भी वृद्धा की अगर फैमिली आईटी में इनकम ज़्यादा है तो खुद मखुद उनकी बुढ़ापा पेंशन रुक जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग।